सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमने बनाई है कड़ी। आज हम देंगे आपको कड़ी की मज़ेदार रेसिपी। ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कैसी बनी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स, ये मैंने ली है आधा किलो दही, पाव बेसन। ये मैं ऐसे इसकी करती हूँ मैनेजमेंट के, आधा किलो अगर दही होना तो पाव बेसन, आधा किलो ही बेसन उगाती हूँ, पाव बना रख लेती हूँ पकौड़ों के लिए, वो पाव डाल दूँगी इसके अंदर। ये हरी मिर्च है, थोड़ा सा अदरक, एक छोटा प्याज और एक गट्ठी लहसुन की, और ये 1.5 से 2 चम्मच नमक है, आप हसबे जायका डाल लें। ये हरी लाल मिर्च सॉरी, और ये हल्दी। इसको अब हम ना ग्राइंडर में ग्राइंड करके तो फिर डाल देंगे रेचकी में, और 1.5 घंटे से 1.5 घंटा इसको हल्की आँच पर पकाएँगे। तो देखिए अब हम इसको ग्राइंड करने लगे हैं। चलो ये मैं बीच में आधी दही डालूंगी, आधी दही डाली है तो ये मसाले सारे ही डाल दूंगी। ये आपकी मर्जी है, हाफ हाफ डाल के ग्राइंड करने के, सारे एक ही दफ़ा करने तो है, जाना तो इसने एक ही दफ़ा दे दी के अंदर। हमसा बदतमीजी ना करें। ये एक मग पानी का डालती हूँ ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब इसको हम करेंगे ग्राइंड। मम्मा दिखाने तो देती फौरन ही डाल लिया। चलो कोई नहीं, बस क्या दाम जाने लिए। चले ये बाकी दही भी अब डाल रही हूँ इसमें, देसी मोम कोई चीज़ ज़ाया नहीं होने देती। क्यों दही रह जाए, इतनी महंगी हर चीज़ क्यों ज़ाया करे। सही बात। अब ये बाकी बेसन इसमें डाल रही हूँ, ज़्यादा लग रहा है, मुझे भी ज़्यादा लग रहा है। अभी एक मग पानी का वही, और ये जब मसाले रखे थे जो चीज़ रह जाए उसको भी मिक्स ये देखें। अगर ये अच्छा तार लगा रह जाए तो इसमें चम्मच भी मार सकते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। थोड़ी अक्ल अपने खुद लगाएंगे तो मम्मा हर चीज़ बताएं आपका है। 1 2 3 मुझे क्या पता। जेंट से आपा घर की कोई चीज़ सही हो ही नहीं सकता, किसी ने एक ना एक चीज़ ने एक दिन खराब होना ही होता है, रोज़ का एक नुकसान लाजिम है। चलो कोई नहीं, ये ग्राइंड किया हुआ एक जग इसका मसाले के समेत है ना इसका, तो हम 3 जग और इसमें डाल के ना पानी के, तो इसको पकने के लिए रख देंगे। पहले इसको ऊंची आग पे एक बॉयल दे के फिर बिल्कुल हल्की कर देंगे ताकि घंटा डेढ़ अच्छी तरह पकती रहे। जितनी कड़ी ज़्यादा पकती है ना उतनी ही लजीज बनती है। ओके, और फिर आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। कड़ी वैसे 2 तरीके से बनती है, एक मसाला भून के और एक इस तरह। मेरी अम्मी ऐसे बनाती थी इसलिए मुझे इसी तरीके का पता है, मेरे ससुराल वाले कड़ी नहीं खाते थे और मैं इसी तरह बनाती हूँ, जिस तरह बनाती हूँ मैं आपको इसी तरह बता रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। एक मिनट ऐसे बनाना है फिर बोलेगी। ये देखो ये इतना थी जब मैंने रखी है, ये उससे तो फिर आधी से बस थोड़ी ज़्यादा रह रही है, अब बस इतनी ही ना पाई, इतनी मेरी तो चाहिए इसकी थिकनेस। जब पकौड़ों ने भी तो सारी चूस लेनी है, फिर थोड़ी सी पतली रखनी पड़ती है।
चलो अब आ गई जी बारी पकोड़े बनाने की। हरी मिर्च मैंने बेसन में डाल दी है। ये मैंने प्याज और आलू इकट्ठा काट के ना पानी में रख लिया ताकि आलू काले ना हो जाए। मैंने बाउल छोटा लग रहा है। नो ये पानी पी लो, फेंकना था मैं तुम पी लो। आप उन्हें बालों पे लगा रहे हो। मानो ये बड़ा बाउल पकड़ाऊंगे पिंक वाला। चलो नोरे से आज तक पूरी जिंदगी आप दोनों ने मेरा नाम नहीं लिया। अस्ता नूर ये पानी पी लो। और कैसे कहते हैं, नूर ही कहते हैं। नूर पिंक वाला है ही नहीं। अंदर चलो अंदर। या मैं छोटा लग रहा था वो है। अच्छा सही मिक्सिंग नहीं हो रही। नूर भाई पागल है, बच्ची है तो उसको काटना पड़ेगा ना। बड़ी हूं मैं, काम तुम्हारे सारे बड़ों वाले। वैसे तुम बच्ची हो है ना, मेरा कोई बड़ा काम नहीं किया। बड़ों वाला वो नहीं। मैं डालूंगी 1.5 चम्मच नमक का। हम जा और एजेंसीयत के मंदिर जाऊंगी। 4 से 5 चमचे मिर्चों के, बिकॉज इसमें इतनी मिर्चें तो होती नहीं है, मसाले सारे मिक्स हैं। अचानक ही देखा तो मेरा धनिया ख़त्म हो गया है, थोड़ी सी मेथी डाली खुशबू के लिए। मम्मा ये क्यों काटा हुआ? क्योंकि इसको काटते डालते हैं तड़के के लिए। चल साइड पे होता है। प्याज काट के डलता, आप कितना भी नहीं पता। पूरा सूखा धनिया डालने के लिए मुझे लगा तेरे मुँह में ग्राइंड करते हैं पहले। मेरे ग्रैंड करते हैं लेकिन आज मैं पाड़ी। अम्मा इसकी जुबान बंद करें। ऐसी बातें तुम सबकी बंद कर दो। चैनल ही नहीं चलेगा। नहीं ज्यादा चलेगा, हम कहेंगे मैं भी इतनी मेहनत कर रही हूँ, तुम्हारी बात बकवास करो तो चैनल चलाओ। कुछ हांडिया बहुत टाइम देती हैं, उनमें से एक ये है ना मम्मा। खाने का शौक है बेटा, टाइम ले ना ले, तुम लोगों ने तो ठूस ले ना। तो और क्या, आप खाए बगैर जिंदा रहा जाता है? हां कि बेसिक नीड है। हां थोड़ा खाए तो दिल इतने दिन में एक बार खाना खाना चाहिए बेटा। कहावत है ऊंची बोल, खाने के लिए जिंदा ना रहो, जिंदा रहने के लिए खाओ प्लीज। हम खाने के लिए काफी है। इधर हमारा आटा गूंदना है, सारा डाल दो थोड़ा, क्योंकि हम चावल के साथ नहीं खाते। हम किसके साथ खाते हैं? रोटी के साथ। बस जो लोग हैं आज हम चावल देंगे, क्योंकि इनका कुछ और नहीं है ना, इन्होंने शुरू से खाई नहीं है ना। अब आके इनको शौक करो। हमारी हाला की वजह से हमारी हाला हमें बना के बेचती हैं। हाला का नाम क्या है? अंबर, अंबर, ओ, ओ। यहाँ से हम बेचते हैं अपनी हाला को सलाम। अस्सलाम वालेकुम। चलो चलो देखते हैं हाला वीडियो पूरी देखते हैं। चंगा हाला ने व्यू भी ना देना हो। मैं ये मैंने अब मसाला बना लिया, अब इसको प्रोसीड। वैसे नजमा हाला भी बेचती है, मैंने उनका नाम नहीं लिया। हां बेचती है, बेचती है नजमा हाला भी बेचती है। सलाम। हां जी अस्सलाम वालेकुम। ओ ओ चल ये क्या कर रहे हो? आगे नहीं हो गई बस। अब अम्मा बस आटा भी गुन्ना मामा दौरा पै गया। तू क्या खा रही है?
नीचे से। चलो बस अब कैम मैं अम्मा ऊंची बोलना है गैस की आवाज भी आना है। पापा आ गया। चलो ये अब रख एक पैन। अगर मैं ना दसती तो पता नहीं तुसी भावे इंजी क्यों ना रोड़ देंगे क्यों सारी बातें लेते हैं वीडियो में आना चाहिए। ये जो बड़ी बात भी आती है ना बड़ी इतनी बड़ी बात तो किचन का यही हाल है। हो मां मां जी को उठा के ऐसे मारे तैयार हो गया। जिसको मैं निकाल दूँ ट्रे में क्योंकि फिर इकट्ठे ही डालूंगी उसमें, नहीं तो पहले वाले ज़्यादा सोगी हो जाएंगे और बाहर वाले बच्चे रह जाएंगे। एक ही साथ डालेंगे ताकि जो भी होना है एक ही दफा हो। उनके साथ नो ये चादर उठाए। अब ये है तड़के के लिए है, ये है जीरा, जीरा पता नहीं क्या, लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्च, थोड़ी कलवंजी, धनिया प्याज कहती है धनिया। ओके 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 मम्मा मैंने भाग गया ना पीछे। पहले प्याज डालेंगे कलर चेंज करेगा ना तो फिर ये मसाले डालेंगे, ये तो ये जल जाएंगे। आवाज़ आपकी फिर भी नहीं गई। पहले प्याज थोड़ा सा कलर चेंज करेगा तो ये मसाले डालेंगे, नहीं तो ये पहले इकट्ठे डाल दूंगी ना तो ये जल जाएंगे। ओके ठीक है। प्याज में ज़्यादा तड़कन का शौक है, तड़फ होंगे तड़को तड़को दो दो करके डाल देती। हाँ पागल कहती है दो दो, अम्मा कहनी जल्दी कर, कहती दो मिनट आइए बना दे, रहने दे रहने दे। अभी प्याज ने कलर चेंज कर लिया, अभी मैं डाल दूँ मसाले। नूर वो वाली वीडियो एक तू भी साथ में जल्दी से ही तड़पने लग जाते हैं। ये आप तो बोलने की दुश्मन है, जब आप बोलती हैं तब शुरू हो जाती है। तू भी वीडियो बनाई कि मम्मा तड़का लगाए, बच्चे थोड़ी फौज पैदा की थी वो भी अपने खिलाफ है। चल 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 ये हो ये प्यारा सा एक मिनट उस साइड के सो ये थी हमारी मज़ेदार करी की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमें दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं कोई अच्छी सी मज़े की फ़नी वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।